नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत संगठन की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में क्षत्रिय महासंगम आओ चलें लाल टाउन पिपरा चौराहा धर्मनाथ सिंह बालिका विद्यालय, समय 9 बजे। प्रेषककर्ता दयाल शंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज अखंड भारत। आजमगढ़ में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस की तिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम किए गए और मिष्ठान वितरण भी किया गया। आपको बताते चले कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया था। यह दिवस हर वर्ष की तरह शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा विजय जुलूस निकाला गया, जो पूरे शहर भर होते हुए रायदोपुर स्थित दुर्गा मंदिर पर पहुंचकर महाआरती के साथ समाप्त हुआ। आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लिया गया है और 2018 तक मंदिर बनाने का शपथ भी लिया गया है। वीरेंद्र सिंह, हिंदू युवा वाहिनी, जिला प्रभारी। आज कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है शौर्य दिवस और प्लस 6 दिसंबर 1992 को कुछ कार सेवक हमारे जो शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1 घंटे से चल रहा है और चलता रहेगा, आज ये दिन भर चलेगा, क्योंकि आज ही के दिन 1992 में एक भारत माता के माथे पे कलंक लगा था, बाबरी ढांचा, जो मीर बाकी बाबर का एक सेनापति था उसके द्वारा एक बाबरी ढांचा, जो कि हमारे परम पूज्य हमारे भगवान राम जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था, उसको तोड़ के बाबरी ढांचा बनाया गया था, उसको विध्वंस कर 1992 में हम लोगों ने आज उसी को याद में मना रहे हैं शौर्य दिवस। देखिए, अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस है और बाकी जितने भी दल हैं, उनके नेता कपिल सिब्बल जो हैं वो नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, केवल इसका मुद्दा वो अखबारों में सुर्खियों में रखना चाहते हैं। जब हम भाजपा के लोग या हिंदू युवा वाहिनी के लोग संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से रोज सुनवाई करके 5 तारीख से सुनवाई होनी थी, जिसपे उन्होंने काउंटर कर दिया, अपना वो एफिडेविट लगाए हैं कि नहीं अभी तक वो कागज जो है पूरा नहीं आया है कपिल सिब्बल जी ने, और इसकी सुनवाई टाल दी जाए। कब तक टाल दी जाए? चुनाव 2019 के बाद किया जाए। इसे स्थिति साफ है कि विपक्ष जो है राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता, वो जान रहा है कि हम कानूनी रूप से मजबूत हैं, हमारे पास पूरे साक्ष्य है और मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता, वो बनेगा। कांग्रेस इसी लीपापोती में मंदिर नहीं बन पा रहा है, नहीं तो मंदिर 2019 से पहले बन जाता, और ये मान के चलिए कि अक्टूबर, अगले अक्टूबर तक मंदिर बन जाएगा।